अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आपने बहुत सारे साधुओं के इंटरव्यू देखे होंगे, आपने नाथ साधुओं के इंटरव्यू देखे होंगे, आपने गिरी साधुओं के इंटरव्यू देखे होंगे, आपने दास साधुओं के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन पहली बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऑन रोड चलते हुए एक साधु के दर्शन हुए, अघोरी बाबा के दर्शन। मैं काफ़ी दिनों से किसी अघोरी साधु के इंटरव्यू करना चाहूँ था और ऐसा सौभाग्य मिला नहीं था। आज एक सौभाग्य मिला कि एक अघोरी बाबा मुझे मिले, उनके दर्शन हुए, तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बाबा जीओं से। बाबा जी मेरा प्रणाम है। सभी बहन भाइयों नमस्कार मेरा जी। और सभी के लिए दुआ करते हम जी। हम नागे लोग हैं, दुआ और बद्दुआ दोनों हमारे साथ में चलती है। हम सबके लिए बद्दुआ नहीं देते, दुआ देते हैं जी। क्योंकि दुआ हमारी नहीं, उस मालिक की होती है जी। करने वाला भोले बाबा है जी। बाबा जी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो, आपका नाम क्या है? हमारा गुरमीत नाथ। गुरमीत नाथ जी जी। तो बाबा जी कितनी एज में साधु बन गए थे? बचपन से हमारे को दुनिया पे दान कर दिया था और हम रहने वाले जमनगर जगाधरी शिव शक्ति आश्रम दड़ो माजरी के रहने वाले हैं जी। किन के शिष्य हो गुरु जी? शिष्य हुकुमनाथ। हुकुमनाथ जी। तो बाबा जी आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं? हरियाणा जमनगर जगाधरी में। जगाधरी में जी। तो बाबा जी वैसे साधु बने क्यों, परिवार वालों ने साधु क्यों मतलब आपको भाई साधु बनाया? नहीं बस खुशी से ही जी। बाबा जी एज कितनी होगी? ये तो अनपढ़ है। नहीं उम्र कितनी होगी? उम्र ये नहीं पता मेरे को। नहीं पता? गुरु के चिमटे खा के रट गए, पढ़े नहीं रट गए। स्कूल में कभी नहीं गई? कभी पेन पकड़ कर नहीं देखा। अच्छा जी हाँ। तो गुरु जी खुश हो अपनी इस लाइफ से, बाबा जी की जिंदगी से? बिल्कुल खुश है, क्योंकि गुरु जी हमारे को यात्रा ही भेजते हैं, कभी अमरनाथ कभी केदारनाथ कभी बद्रीनाथ कभी कहीं यात्रा जाते हैं हम। अच्छा गुरु जी ये क्या है, ये जो ये धागे टाइप के जो ये अपने गले में डाल रखे हैं, ये गुरुओं की है हमारे जी। जो गुरु जी गुजर जाते हैं ना उनकी निशानियाँ हैं। अच्छा गुरु जी ये जो राख रमा रखी है ये? हाँ ये गुरु के धुने की राख होती है। कितने दिन ये रोज रमानी पड़ती है? जी जी। तो टाइम टेबल होता है इसका लगाने का भी? जैसे किस टाइम लगाने पड़ते हैं? सुबह से वो लगाएंगे, शाम को उतारेंगे जी, फिर सुबह लगाएंगे, शाम को नहा लेते हो जी जी। तो गुरु जी क्यों लगानी होती है ऐसे ये, मतलब क्या कारण? ये हमारे गुरु के आगे की होती है। अच्छा अच्छा। वो कहते साधु बिना ज्ञान नहीं है, पुत्र बिना नाम नहीं है। जब गुरु ने हमारे को इस वचन में डाल दिया तो हम इसको गुरु का आगे नहीं भूलेंगे जी। पूरे शरीर पे लगाना है? बिल्कुल। अच्छा गुरु जी वस्त्र बस इतने जो पहन रखे हैं यही पहनते हो? ये लगाते बस। गर्मी हो सर्दी हो? बिल्कुल। तेज कड़ाके की सर्दी हो जब? बिल्कुल यही करते हैं हम यही। कभी आप हरिद्वार गए हैं? हाँ गए हम। वह स्नान सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले अगड़े का होता है, उसके बाद नाथों का होता है, उसके बाद नांगों का होता है, नांगों के बाद फिर नाथों का होता है। इलाहाबाद कितने बार गए हो? गया नहीं। क्यों नहीं गए? चले जाऊंगे, आपका आशीर्वाद रहे। जाना चाहिए भगवान ने। अरे यार तेरा भला जा, तेरा जाना चाहिए। जाएंगे इलाहाबाद। सबसे पहले किन की सवारी होती है? गुरु जी गया ही नहीं तो क्या, फिर आप बता दो आज। सबसे पहले किसकी होती है सवारी आप बताओ? सबसे पहले राजा महाराजा किस पे चलते थे? हाथी पे। आज किन के पास है? आज तो हाथी बाबाओं के पास है, महाराजों के पास है जी। यूपी में सबसे पहले राज किसका चल रहा है? यूपी में तो आज तो योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, साधुओं का राज चल रहा है। फिर आज्ञा को पालना चाहिए, आज्ञा की जीवित अग्नि भी होती है। आजकल साधु आज्ञा तप नहीं कर रहे हैं जी। तप नहीं कर रहे, तप कर कर जब सवाल और भविष्य पा रहे हैं। मांगने से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे ही मोती मिल जाते हैं। हम यहाँ बैठे थे, हमारे पास सब कुछ आ गया, आपसे पैसे मांगे, ये आपसे दौलत मांगी है, सवारी मांगी है, जो देना है किसने देना है? उस मालिक ने। उस मालिक के उसके देने में देर है, अंधेर नहीं है, देने वाला वो भोले बाबा है। अच्छा बाबा जी अघोरी बाबाओं के बारे में एक विशेष बात प्रख्यात है समाज में कि अघोरी बाबा जो है शमशान में रहते हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है। एक और बड़ी बात सामने आती है कि अघोरी बाबा मुर्दे को खा जाते हैं। वो अपने अपने परंपरा होती है जी। है ऐसा है वैसे? है जी। कभी आप वाली में हम नांगे अघोरी हैं, वो उज्जैनी है, इन्हें परा होती है अलग अलग।
मतलब जैसे नाथ हो गए, हगुरी हो गए, अगुड़ हो गए, नाथ हो गए, जैसे मतलब कि गिद्धीपुरी हो गए, इसमें कई साधुओं के पंथ होते हैं जी। तो शमशान में तो रहते हो? रहते हैं जी। तो बाबा जी एक बात मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूँगा, आप शमशान में रहते हो, शमशान में रात्रि भी गुजारते हो, सारे काम होते हैं, तो क्या आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं? साधु जब संन्यास ले जाए तो भूत प्रेत से क्या डरना? नहीं होते हैं या नहीं, नहीं होते? एक मिनट मेरी बात का बुरा नहीं मानना। देखो इंसान जूंदा जागते इंसान को कुछ नहीं करेगा तो मरकर क्या बिगाड़ लेगा? वो सता तो सकता है जी, वो सता ही सकता है, जान से नहीं मारेगा। जान जान से इंसान को जूंदा जागते इंसान मारेगा, मरा हुआ कभी नहीं, वो सता सकता है। गुरुजी आपका मतलब आपने कहा भाई आत्मा जो है वो जिंदे जागते आदमी को सिर्फ सतास कह है, हाँ, इसका मतलब है? हाँ, इसका मतलब भूत प्रेत आत्माएं ये होती हैं? वो सताती है पर मार नहीं सकती। वो इंसान जूंदा इंसान को मार देगा पर मरा हुआ इंसान सताएगा, उस तड़फाएगा उसको, क्योंकि वो ना जाने कैसे मरा हुआ है। जी जी जी। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई गिर के मर जाता है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, पर वो क्या हो गया? आत्मा, आत्मा से परमात्मा, उस पर मालिक को जानो, उससे बड़ा कोई नहीं है। बाबा जी तप करते हो आप? जी। कितने कैसे कैसे थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। हमारा तप होता है गुरुजी के आज्ञा के बिना नहीं होता, गुरुजी जो बताते हैं वो करते हैं हम। सबसे पहले अपने आश्रम में जाना, आश्रम से स्नान करना, स्नान करके हमारे को मूर्ति साफ करनी, मूर्ति साफ करके हमने थोड़े से गुरुजी की आज्ञा लेनी, उसके बाद में धूना जलाना, धूना जला के गुरुजी जो बोलता है वो करते हैं, उसके बिना कुछ नहीं। गुरुजी एक और बात पूछ लूँ, बोलो। अघोरी बाबा शादी कर सकते हैं? अघोरी बाबा शादी कैसे कर लेंगे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो। उनकी शादी होती नहीं, नहीं होती उनकी शादी होती नहीं, ना नांगों की ना अघोरी की, नाथ लोग कर सकते शादी, लोग गृहस्थी हैं। तो बाबा जी वैसे जैसे भाई आपने देखा हो कभी कभी कोई बाबा नागा साधु बन गया हो, अगोरी बन गया हो, बाद में भाग गया हो, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। वो साधु नहीं, वो स्वाधु है, जो भाग गया वो स्वाधु है, साधु नहीं, वो साधु नहीं है। तो साधु बचपन से जो बन गया इस दुनिया पर, पंथ कितने हैं? 3300 करोड़ देवी देवता है, किसी को मालूम नहीं, को गिन के नहीं बता सकता। इस चीज़ का किसके अंदर पता लगता है? इंसान को जो पढ़ा लिखा हुआ, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं हम, रड़े हैं गुरुओं के चिमटे खा खा के, आपको नहीं, आप भी नहीं बता सकते। बता देंगे 3300 करोड़ देवी देवता कितना होता है? नहीं बता सकते। गौ की नस नस में 3300 करोड़ देवी देवता बस हुआ है। तो गुरु जी कहाँ की यात्रा थी आज, करखोदा किस लिए? आज तो हम जाएंगे पानीपत, पानीपत से गाड़ी पकड़ेंगे सीधा अंबाला, अंबाला से कालका, कालका जी। तो गुरुजी अपने इस लाइफ से, साधु वाली जो लाइफ है इससे खुश हो? बिल्कुल। अच्छा गुरुजी हर किसी को कोई ना कोई अच्छा लगता है, किसी प्लेयर को कोई दूसरा प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को गाने वाले को दूसरा कोई गाने वाला अच्छा लगता है, मैं इसके जैसा गाने वाला बनूंगा, तो आपको भी कोई साधु अच्छा लगता है किसी भी पंथ में? तो कोई बात नहीं, आप गाना गाने चाहते हो तो हमारे साथ बैठ जाओ, हम भी गाना सुनाएंगे आपको। तो बाबा जी फिर सुना दो। नहीं आप सुनाओगे पहले? मुझे नहीं आता गुरु जी। हम साधु के लाने बड़े गाना कैसे गा लेंगे हम? अच्छा गुरु जी कोई नहीं, कोई कोई साधु अच्छा लगता है? नहीं नहीं, आप साधु बनना चाहते हो? नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर आपको अपनी लाइफ अच्छी है ना? जी हमारे को भी अपनी लाइफ अच्छी लग रही है, क्योंकि वो कहते हैं लग झूली पला खजाना, भूख लगी तो मांग कर खाना। मांगने की आज की बस की बात नहीं है, मांगने से 100 बार पहले मरना पड़ जाता है। आप कितनी तनख्वाह करते हैं सर? नहीं मैं तो कमा लेता हूँ, रोटी चल रही है परिवार। नहीं हमारी कितनी होगी? साधु होगा तो सारा संसार है, आपसे आगे क्या है? सारा संसार है जी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आपकी 1,00,000 रुपए की ड्यूटी है ना, तो हमारी 50 रुपए की है, हम उसमें खुश हैं। देने वाला वो पेट भरने वाला ये कौन है? महादेव, उसके बड़ा कोई नहीं है। रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा रोहतक। रोहतक के, हम जमुनानगर जगाधरी के रहने वाले हैं। देने वाला महादेव है भाई। बाबा जी ने आज मेरा इंटरव्यू कर लिया सारा, पहली बार ऐसा हुआ है। तो बाबा जी अच्छा लगे आपसे बात करके, आपके दर्शन करके, और
हम तो आपका आशीर्वाद ही चाहेंगे, ये जितने खड़े सारे आपका आशीर्वाद चाहो। जय महादेव, जय महाकाल। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि मालिक सबको खुशियां दे, इज्जत ईमान दे, अंधने मौज लगी रहे, कारोबार में बरकत रहे। हम साधु लोग जरूर हैं पर हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम सबके लिए दुआ करते हैं। हम नंगे पैर ही चलते हैं और भूखे प्यासे बारिश टाइम तो भोजन मिलता नहीं मिलता, हम नंगे पैर भी चलते हैं। आपके पास में विश्राम है, हमारे पास में क्या है? सबसे पहले जीवन किसका आया था? लकड़ी हाथ में जाएगी, लकड़ी हाथ में आएगी, बूढ़ा हो जाएगा, लकड़ी लेके जाएगा, वो बूढ़ा जाएगा जो लकड़ी हाथ में लेके जाएगा। अच्छा गुरुजी, मैं एक बात और लास्ट पूछना चाहूँगा, अगोरी साधु जो होते हैं वो गुस्से वाले क्यों होते हैं? जो गुरु होते हैं उनके अंदर में शैतान भी होता है, भगवान भी होता है, उनकी दुआ और बददुआ दोनों अंदर होती है। बस तो बाबा जी एक बार और हमारे दर्शकों को एक आशीर्वाद ठोक दो। जय महादेव, भोले बाबा सबकी मनोकामना अच्छे करे, पूरे सफल पूरे करे, जिंदगी अच्छी रहे और बच्चों में दुआ लगे, परिवार में खुशहाल जिंदगी रहे। जय महादेव। भाई जिस तरीके से हमने बीच रास्ते एक साधु मिल गया, उनका इंटरव्यू करा, बड़ा बढ़िया लग गया। और भाई आगे भी अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से हम एक से एक अच्छे इंटरव्यू आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।